नमस्ते, मैं मौलाना हाटा, एक योगा विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं तनाव के बारे में। हाउ शुड आई रिड्यूस माई स्ट्रेस इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली विद इन सम टाइम। कई लोगों को तनाव होता है और वो तनाव के कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, अन्य रिलेटेड एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम हमेशा खड़ी हो जाती है। अब मैं अपने तनाव को किस तरीके से कम कर सकता हूँ? आजकल तो छोटे बच्चों को भी तनाव होता है, बड़ों को भी तनाव होता है। अब तनाव को कम करना है तो अपने मन को शांत करना है, तो मैं क्या करूँ जिससे मेरा मन शांत हो सके और वो भी तुरंत इंस्टेंट हो सके, क्योंकि आजकल सभी लोगों को बहुत ही इंस्टेंट चीज़ों की आदत हो गई। तो मैं आपको एक इंस्टेंट टिप दूंगी जिससे आपका तनाव इंस्टेंटली फटाफट कम हो जाएगा। आपको मेरे साथ करना होगा और बने रहना होगा, आपको पहले मुझे देखना होगा। हम करेंगे जो है इंस्टेंट तनाव करने में कम करने में काम करता है और कारगर है, और जो रिसर्च में भी कहा गया है। हम करेंगे ब्राह्मरी। ब्राह्मरी प्राणायाम जिसे कहा जाता है, कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे के बाद में करें तो ज़्यादा बेटर है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। अब करना कैसे है मुझे, अगर आप सुखासन में बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए, अगर आप ऑफिस में हैं और सुखासन में नहीं बैठ सकते तो ऑफिस की चेयर पर बैठिए जैसे बैठें। आप ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेहनत नहीं है, बट ध्यान रखना है कुछ विशेष चीज़ों का। जो मेरे हाथ है उसको मैं आँखों के ऊपर रखूँगी। ब्राह्मरी क्या है? ब्राह्मरी मेरे 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को है वो एक्टिवेट करता है, आपके जो मन को है वो शांत करता है, मेरे नर्वस सिस्टम पर काम करता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि मेरे नर्वस सिस्टम पर काम करेगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरे थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी अच्छी चीज़ें काम कर रहे हैं। अब मैं जब 5 सेंसेस को क्लोज करती हूँ, मतलब मैं अपनी आँखों को बंद करूँगी, मैं अपने कान को बंद करूँगी, मैं अपना मुँह बंद रखूँगी, क्योंकि मुँह से टेस्ट लिया जाता है, कान से सुना जाता है, आँखों से देखा जाता है, नाक बंद नहीं करेंगे ऑफकोर्स क्योंकि हम उससे श्वास ले रहे हैं। कंठ से करना है आपको, यहाँ से ओमकार का नाद निकालना है और हमिंग साउंड जिसे कहा जाता है, ओम का ही नाद है, हम इसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, हाथों को जो है आंखों के ऊपर रखा आपने, कान को है मैंने बंद किया, अगर आप देख सकते हैं मैं कान को इस तरीके से बंद कर ली, आंखों के ऊपर हाथ रखा, गहरी श्वास भरी, हाथों को नीचे रखेगी, धीरे से आंखें खोले। आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको महसूस होगा कि इंस्टेंट आपके मन में शांति हो रही। कितने बार कर सकते हैं हम इसे? आप जितने बार करना चाहें, इसे 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ 5 बार कीजिए। 5 बार में ही आपको मन की शांति मिल जाएगी, तुरंत मिलेगी, एक बार में ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करके देखिए, अगर आपको तनाव हो तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं। अगर आपको पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ में। अभी आपने किया है तो जस्ट करके देखिए, आपको पसंद आएगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, मन शांत हो जाएगा, प्रफुल्लित रहेगा आपका। इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लूँगी। लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिए मेरे वीडियो को। मैं मौलाना हाटा, एक योगा विशेषज्ञ। शुक्रिया।